नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। तो इसमें हम लोग 5 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका छठवां चैप्टर है। छठवां चैप्टर है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। याद रखिए, मैं बार बार वही दोहराता हूँ, इसे एक कहानी की तरह पढ़िए, बड़े धैर्य के साथ पढ़िए, ठीक है? आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है इसमें कि जो आपको समझ में ना आए। नॉर्मल भाषा में लिखी गई है, ठीक है? बस आपको धैर्य के साथ सुनना है इसे। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिर फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि वह आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटनाओं के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया था। फलस्वरूप, इस प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। मैं यही कामना करता हूँ कि ऐसा मौका आपकी जिंदगी में ना आए। मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। देख रहा है, मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही थी। पिछले 1 घंटे में वे गले का हार ढूंढ रहे हैं। इन्हें पक्का पता है कि यह यहीं रखा था, कहाँ गया? जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है, शादी समारोह में जाना है। तो ये क्या बोल रहे हैं? इन्हें सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में मैं भी रही नहीं है। इन्हें लगता है कि शांति ने इनका हार चुरा लिया। रिंके कमरे में सफाई करते हुए बहुत ज्यादा ही समय लगाती है। शांति हेम्ब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो भी सोने का हार। अपना बक्सा लाओ, तलाश लूंगी। इन्होंने पुलिस को बुला लिया। अगर तुमने हार लिया है तो भी लौटा दो। ये क्या बोले? नहीं मैडम, ये शांति बोले, चोरी नहीं की है। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बहन दी है और यह उसी का पैसा है। साहब, शांति बोल रहे हैं, साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल पर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। ये सफाई दे रहे हैं, बेगुनाह। मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। जी कहिए। मैं FIR लिखवाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने इनकी पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर जाते हैं। जब इस चोरी के बारे में श्री संदे शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा, रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। अब वो शांति करके मुझे थाने मत ले जाइए, हार नहीं चुराया,
यह इनकी मेहनत की कमाई। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और इसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली, ये बोल रहा है। ठीक, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कॉन्स्टेबल पीटते हैं और गालियां भी देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। सिंधे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थीं। जब सुशील बार बार यही कहता था कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ दी थी। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। ये बोल रही, इनका क्या होगा, कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से सलाखों के पीछे आ गई। इस तरह की पता है कई बेगुनाह इस तरह की सजा भुगतती है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिए। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों को की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है चोरी के झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीबी या फिर किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में पूछती है, ये मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप इन पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले। उन्हें लगता है कि उसने हार बेच कर ही ये पैसा हासिल किया है, लेकिन ये हम दोनों की बचत, शांति बोल रही है। ठीक है, अदालत शांति का आरोप लगाती है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती सिंधे को का सोने का हार चुराया और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले उसके पास है। शांति निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री सिंधे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करते हैं। तो अब बताइए सिंधे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? सोने का हार दराज में रखा था, सिंधे बोले। शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा कोई और कोई व्यक्ति इनके कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर सिंधे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाश ली। वहां लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मिला हार बेच कर मिला था, वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रीमती सिंधे ने से जिरह कर दी है, तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा है, ना ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला है। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती हैं। अधिवक्ता राव बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछते हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय यह साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह के लोग सिंधे के मोहल्ले में गहने की चोरी करते हैं। श्रीमती सिंधे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य।
उनके पास से श्रीमती सिंधी का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? जी हाँ, श्रीमती सिंधे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसमें यह जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया, यह हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों की बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपकी बरामद की थी उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया कि तब 30 में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। तो आपने इस तरह पूरी घटना देखी है। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देखा लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, या न्यायाधीश को तय करना होता है। और दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या फिर गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 22 यानी कि 22 संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी के किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार भी है उसके पास। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए एक वालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई। इन नियमों को डीके बसु दिशा निर्देश भी कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी कागज तैयार किए जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तारी
सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होना चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या किसी जिसे पूछताछ की जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तारी व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकता FIR। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित या किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तत्वों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार है। अब बात करते हैं आगे सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू हो जाती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने ठोस तथ्य और गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अब बात करते हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या फिर नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या फिर उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या फिर एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। बात करते हैं निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते हों तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयान की नकल ना दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती सिंधे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय ना दिया होता
और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति की जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की तरह का पूरी तरह पालन किया जाए। आइए अब चित्रकथा पट्ट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी पक्षों सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ दायर अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति के भाई सुशील अदालत की कार्यवाही में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील से बचाव किया शांति का एक वकील ने क्या किया बचाव किया शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति दोषी है। इस मुकदमे के में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी वजह न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी इसलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्ग जाति धर्म वैचारिक मान्यताओं की हो उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ना दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा सकते हैं। PDF डाल दी है आपकी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, उसे डाउनलोड करके रख लें अपने पास। ये आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, आरोपी। इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो। संज्ञेय, इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। जिरह, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या फिर गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। हिरासत, पुलिस द्वारा किसी को गैरकानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना हिरासत कहलाता है। निष्पक्ष, इसका मतलब है कि स्पष्ट या न्यायसंगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। फिर किसी अपराध का आरोप लगाना, जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा है, सुना है या जाना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गवाह। तो ये था आपका छठवां चैप्टर।
चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इकाई चार और इसमें अध्याय सात के बारे में, हाशियाकरण, करण की समझ।